नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे केजरीवाल के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे पीएम मोदी की। बीजेपी की बांटने की नीति पर आग बबूला हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। मुसलमानों को लेकर लगातार जहरीले बयान दे रहे पीएम मोदी की। जानेंगे अमेठी सीट पर राहुल के जीजा रॉबर्ट वाड्रा की क्यों टिकी है तीखी नजर। वहीं बात करेंगे पतंजलि की फिर बढ़ने जा रही बड़ी मुश्किलों की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में चुनाव जीतने के लिए पार्टियां जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छेड़ती हैं। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह। राजस्थान में बोले पीएम मोदी, कहा ये केवल मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा, ये मोदी की गारंटी है। रिजर्वेशन को धर्म के नाम पर बंटने नहीं दिया जाएगा। ये बांटने की चाल पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान में जानबूझकर बार बार धर्म और धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया है। ये सब वह वोट के लिए कर रहे हैं, देश के हित के लिए नहीं। देश के विकास के लिए स्थायी सरकार का होना जरूरी, इसलिए देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनाओ। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने से पहले बीजेपी ने चखा जीत का स्वाद। सूरत से कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंबानी का पर्चा हुआ रद्द, बाकी 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने छोड़ा पाला, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध जीते। भारत में कोई नया पुतिन तैयार हो रहा है, एनसीपी नेता शरद पवार ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री मोदी देश में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पुतिन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सोने की कीमत में 1000 रुपए से ज्यादा की आई गिरावट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1134 रुपए सस्ता होकर 71741 रुपए हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी 1667 रुपए सस्ती हुई, ये 79887 पर पहुंच गई है। शुगर से तड़प रहे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में पहली बार मिली इंसुलिन। तिहाड़ प्रशासन बोला कि शुगर लेवल कम है, इसलिए पहली बार कम खुराक दी जा रही है। हार के डर से घबराकर राहुल गांधी अमेठी से वायनाड पहुंच गए, अब वे वहां उत्तर भारतीयों को गाली दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। भारतीय मसाला ब्रांड एवरेस्ट कंपनी बोली कि हमारे मसाले सिंगापुर हांगकांग में बैन नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट की जांच होगी। दोनों देशों में एमडीएच एवरेस्ट मसालों से कैंसर का खतरा बताया गया था। सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने के मामले में दुनिया का चौथा देश बना भारत। सीपरी की रिपोर्ट में दावा, 2023 में अपनी सेना पर सबसे ज्यादा अमेरिका ने खर्च किया, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे स्थान पर रूस रहा। अमेठी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा नहीं होने पर बोली स्मृति ईरानी, कहा जीजा रॉबर्ट वाड्रा की अमेठी सीट पर नजर है, अब साले साहब राहुल गांधी क्या करेंगे। मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने और घुसपैठिया वाले बयान पर एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम मुसलमान घुसपैठिए नहीं। मोदी के भी 5 भाई बहन, योगी आदित्यनाथ, अटल बिहारी वाजपेयी और अमित शाह के भी 6 भाई बहन है। नागालैंड के 6 जिलों में नए राज्य की उठ रही मांग, 2 महीने से स्कूल सरकारी कामकाज बंद, 4 लाख से ज्यादा वोटरों ने लोकसभा चुनाव का किया बहिष्कार। राहुल गांधी के देश से गरीबी हटाने वाले बयान पर बिफरे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा दादी से लेकर पोते तक इसी नारे के सहारे जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। गरीबी हटाओ का नारा 1970 के दशक में दिया गया था, लेकिन कांग्रेस अभी हटा नहीं पाई। तेजी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियर, इसरो की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, 601 झीलों का आकार 35 सालों में 2 गुना से ज्यादा बड़ा। सैटेलाइट इमेज में दिखे बदलाव। घुसपैठियों को बढ़ावा और शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध करती है ममता बनर्जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की सीएम पर लगाया बड़ा आरोप। मालदीव का संविधान बदलेंगे राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, भारत को दिखाई आंख, चीनी कंपनियों को मिलेगा 30 नए द्वीपों में कंस्ट्रक्शन के ठेके, चीन की कंपनियां यहां बनाएंगी 1000 फ्लैट।
रोहित के बाद संजू सैमसन को इंडिया का कप्तान बनाओ, युवा बल्लेबाज ने जीता हरभजन सिंह का दिल। बीसीसीआई सिलेक्टर्स ने की मांग, कहा कि संजू सैमसन को भारत के अगले T20 कप्तान के रूप में भी तैयार किया जाना चाहिए। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, साथ ही आज की इस बुलेटिन न्यूज को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करिएगा। अब खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं मुसलमानों पर मेहरबान हो रही कांग्रेस की। जी हां, मुसलमानों पर कांग्रेस मेहरबान है, यह बात पीएम मोदी ने अपने बयान में कही थी, जिसके बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी पर जहरीली भाषण का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। लेकिन मोदी ने एक बार फिर से यह बात कहकर कांग्रेसियों के बीच बड़ी हलचल पैदा कर दी है। वहीं इस बयान के जरिए पीएम मोदी ने कांग्रेस के तुष्टीकरण राजनीति की पोल खोलते हुए कांग्रेस को चैलेंज दिया है कि हिम्मत है तो हमारा सामना करो। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी कांग्रेस पर तेज तरार हमला बोल रही हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी जहरीली भाषा का इस्तेमाल करके देश की जनता को वास्तविक मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। दरअसल राजस्थान के बांसवाड़ा में रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस की योजना पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस सब कुछ मुस्लिम समुदाय को दे देना चाहती है। वहीं एक बार फिर पीएम मोदी ने बीते दिन राजस्थान के उनियारा में यह बात दोहराई है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा से छोटी व तुष्टीकरण राजनीति की रही है, वे दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। साल 2004 में कांग्रेस ने ऐसी पहली कोशिश की थी जब आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के आरक्षण में कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्लान बनाया था। यह उनका एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे बाद में पूरे देश में लागू करने की प्लानिंग थी, लेकिन मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद 2011 में फिर से देश में इसे लागू करने की कोशिश हुई। कांग्रेस अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतनी फंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस क्या यह गारंटी दे सकती है कि वो आरक्षण को मुसलमानों में नहीं बांटेगी। मोदी ने कहा कि यदि 2014 के बाद भी कांग्रेस होती तो सरहद पर सैनिकों के सिर काटे जा रहे होते और बम ब्लास्ट हो रहे होते। वहीं कांग्रेस राज में तो हनुमान चालीसा पढ़ना भी गुनाह हो गया है। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहां रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। जब हमने कांग्रेस के इस वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था तो इनको इतनी मिर्ची लगी कि वे हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। लेकिन अब देश सुरक्षित हाथों में है, अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और रामनवमी भी मनाएंगे, ये बीजेपी की गारंटी है। बीजेपी सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था को चोट पहुंचा सके। चोट तो गुरु रामदेव बाबा को लगी है, जिन्हें माफी मांगने के लिए 10 लाख का खर्च करना पड़ा है और अभी तक माफी भी नहीं मिली है, जिसके बाद बाबा रामदेव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 30 अप्रैल तक दी है, लेकिन इससे पहले रामदेव और बाल कृष्ण को बड़ा निर्देश दिया गया है। तो ऐसे में जानते हैं क्या है कोर्ट का अहम निर्देश, हमारे इस खास रिपोर्ट। दरअसल पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में रामदेव और आचार्य बाल कृष्ण को कोर्ट में हाजिर रहने को कहा था। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट में पतंजलि की तरफ से कहा गया कि उन्हें 67 अखबारों में विज्ञापन देकर माफीनामा छपवाया था, इनमें 10 लाख रुपए का खर्च आया। पतंजलि के माफीनामे में लिखा है कि पतंजलि आयुर्वेद सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करता है और हमारी गलती के लिए हम माफी मांगते हैं, वहीं भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। इस बार कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या ये माफीनामा उतने ही साइज के थे जितने साइज के आपने पहले वाले विज्ञापन दिए थे। इस पर रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने जवाब में कहा कि माफीनामे का साइज विज्ञापनों जितना बड़ा नहीं था, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। उसके बाद जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग लेकर हमें भेज दें, इन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं, ये हमारा निर्देश है। जस्टिस कोहली ने कहा कि जब आप कोई विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें उसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, सिर्फ पन्ने पर न हो पढ़ा भी जाना चाहिए। कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को निर्देश दिया कि अगले 2 दिन में वे ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करें जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की है। वहीं मामले की अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होगी। सुनवाई तो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की भी चल रही है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है, जिसके बाद मोदी को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल के हाथ अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार पीएम मोदी खुद होंगे। ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को गहरा झटका लगा है। वहीं आप पार्टी इस गिरफ्तारी को बीजेपी को सोची समझी चाल बता रही है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पीएमओ और दिल्ली एलजी सीसीटीवी लिंक के जरिए जेल में केजरीवाल पर नजर रख रही है। संजय ने यह भी कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है जिसमें सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री शामिल है। संजय ने कहा कि उन पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इतनी निगरानी क्यों की जा रही है, क्या देखना चाहते हैं मोदी जी? मोदी जी ने इस काम में दिल्ली एलजी को भी लगा दिया है। आखिर अरविंद केजरीवाल से क्या दुश्मनी है? पीएम के इस अन्यायपूर्ण व्यवहार को देखकर केजरीवाल के माता पिता दुखी हैं। उनकी पत्नी सेहत को लेकर परेशान है। दिल्ली की जनता परेशान है कि उन्हें दवा इंसुलिन क्यों नहीं दी जा रही है। इसलिए अगर पीएम को केजरीवाल से कॉम्पिटिशन करना है तो काम की राजनीति से करें, स्कूल बनाए, महंगाई कम करें। लेकिन मोदी जी की चिंता ये है कि केजरीवाल प्रताड़ित कैसे होंगे। ये हिटलर शाही तानाशाही नहीं चलेगी। बड़े बड़े तानाशाह दुनिया से चले गए, आपकी सत्ता को भी जाना होगा। अगर आप सब देख रही हैं तो ये भी देखते होंगे कि केजरीवाल रोज जेल में झाड़ू लगा रही हैं। जितना वे जेल के अंदर झाड़ू लगाएंगे उतना बाहर भाजपा साफ होगी, पूरे देश से उनका सफाया होगा। पीएमओ दिल्ली एलजी और सारे तो नियम तोड़कर केजरीवाल को सीसीटीवी के जरिए देख रही हैं, उनकी निगरानी कर रही हैं। इसलिए हमें बार बार कहना पड़ रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ गहरा षड्यंत्र हो रहा है। कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है और इसमें सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री शामिल हैं। आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं? आपके विचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर लीजिएगा।